बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के लिए उमराव जान अदा नावल के मर्दाना किरदार पेश किए जा रहे हैं। आज हम फैज़ अली के किरदार का जायज़ा लेंगे, जो कि नावल में बहुत अहमियत रखता है और वो उमराव की ज़िंदगी में तब दाखिल होता है जब उसके कुछ दिन चौक में रह जाते। दरअसल उमराव का वहाँ जाना उसी की वजह से हुआ था। शुरू से ही फैज़ू को का रवैया उमराव के साथ बड़ा हाकिमाना और बेतकल्लुफाना था। वो बग़ैर इजाज़त उमराव के कमरे में दाखिल हो जाता। उसकी गुफ्तगू में तलखी महसूस होती है, उसे कोठे के आदाब नहीं आते। वह तवायफ़ की तनख्वाह को भी खर्चे का नाम देता है। बुआ हुसैनी को बेतकल्लुफी से बुढ़िया कहकर पुकारता है। खुद उमराव कहती है कि एक साहब जिनकी वजह शहर के बांकों जैसी थी, मेरे कमरे में धराना चले आए और आते ही कालीन के किनारे पर बैठ गए। अब शुरू से ही फैज़ अली के बारे में तफसील से बताना शुरू इसलिए किया है कि ये उमराव की ज़िंदगी में काफ़ी अहमियत रखता है और आता भी इसी तरह अचानक है और जाता भी इसी तरह अचानक है। अब हम तफसील से आगे जायज़ा लेंगे तो देखेंगे कि उमराव को इससे बहुत दिलचस्पी पैदा हो गई थी। वो फैज़ अली को पसंद करती थी, लेकिन इस पेशे में पसंद और नापसंद से ज़्यादा पैसे की अहमियत है। शुरू की मुलाकात के चंद ही दिनों बाद उमराव को इसके किरदार के मुख्तलिफ पहलुओं का अंदाज़ा होना शुरू हो गया था। कीमती तहाइफ, जवाहरात देना और सीटी की आवाज़ पर एकदम से उठकर चले जाना उमराव को हैरत में डाल देता था। उमराव ने फैज़ अली के बारे में एक और बात दरियाफ्त की थी, वो ये थी कि फरमा बरदारी जो इसके गुस्से और रोब के साथ मेल ना खाती थी, दोस्त की निशानी दोशाला किसी कीमत पर किसी दूसरों को देने को तैयार नहीं था, वो इसमें थी। कहता है, उस्ताद जी रुपया पैसा जो जी चाहे ले लें, मगर मुझसे ये दुशाला मैं आपको नहीं दे सकता। इस बात से साबित होता है कि इसके अंदर इखलाकी कदर भी मौजूद थी। उमराव को भी बाद में इससे इस हद तक मोहब्बत हो गई कि वो इसकी मुंतज़िर रहा करती थी। वो खुद कहती है कि फैज़ अली ने मेरे साथ वो सलूक किया कि अगर मैं अपने इख्तियार में होती तो मैं उसके साथ जाने में उज़र ना मुझे होता, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि यहाँ बैठे उसने साथ मेरे साथ ये रवैया रखा तो घर में ले जाकर वो मेरे साथ क्या सलूक करता। बहरहाल मैं ये पूरा ना कर सकी। उमराव फैज़ अली को अपनी आँखों के सामने गिरफ्तार होते देखती है तो कश्मकश में मुब्तला हो जाती है कि उसका ख्याल तक नहीं आता कि वो एक चोर है और तमाम तहाइफ चोरी के हैं। वो अपनी अहमियत और ताकत और मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर हर रोज़ उमराव से मिलने आता है, जबकि उसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा मौजूद होता है, लेकिन वो इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता क्योंकि वो इससे बेहद मोहब्बत करता है। और जब हकीकत खुलकर उसके सामने आती है और जब वो गिरफ़्तार हो जाता है तो उमराव की मोहब्बत को भूलकर उसकी मोहब्बत को भूल कर शुक्र अदा करती है और उसको भुला देती है। शायद इन दोनों का रिश्ता सिर्फ पैसे की बुनियाद पर था, हालांकि फैज़ अली दोस्ती और मोहब्बत के मामले में एक सच्चा इंसान था और उसका इजहार वो बार बार करता भी था। और वो खुद कहती है, उमराव खुद कहती है कि फैज़ अली को मुझसे मोहब्बत थी जिसका इजहार वो तरह तरह से करता था। वो दिल का बहुत नरम था, जज्बाती भी। उमराव को उसने किसी मेले में देखा और उसके घर का पता मालूम करके वहाँ चला आया। फैज़ अली के किरदार के अंदर जाज़बियत है। नवाबों की घुटी घुटी और पुरतकल्लुफ़ फ़िज़ा के बरक्स उसकी ज़िंदगी एक बहते दरिया की मानिंद है, जिसकी में तेज़ी से जोश है, कुशादगी है, दौलत की वो परवाह नहीं करता। उसके नज़दीक दौलत चलती फिरती छाँव है। वो एक डाकू है, आज आज़ाद है तो कल कैद। वो आधी रात को सीटी की आवाज़ पर डाके डालता है। उसके अंदर शैतान का जोर और जलजला है जो दुश्मन को फना कर देता है। इंसानी रिश्तों की तमीज़ से दोस्त नबानी भी आती है। वो किसी को अपना दोस्त का दुशाला अपने से जुदा नहीं करता, दूसरों और ख़ास कर उमराव से लाखों का सलूक करता है। वो ज़ुबान का पक्का है, जो कहता है कर दिखाता है। नवाबों के पुरसकून
ज़िंदगी के बरक्स उसकी ज़िंदगी की हंगामों से भरपूर है और दौलत जान की बाजी लगाकर हासिल करता है और नवाबों के मुकाबले में ज़्यादा फ्याजी से खर्च करता है। बाज़ जगह वो आला इंसानी कदरों की नुमाइंदगी करता है, जैसे अपना लिया तो उसको उसका हमेशा से अपना हो गया। तालीम से बिल्कुल बेबहरा है, लेकिन जज्बात के इजहार में उसकी गुफ्तगू ऐसा असर रखती है जो उमराओ जैसी शाइस्ता तवाइफ में हलचल पैदा कर देती है। इसके किरदार में एक ख़ास किस्म की वज़ादारी है जो तवाइफ से सच्ची और मुखलसाना मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत का नक्श उमराओ के दिल में सबसे गहरा है। उमराओ उसकी खातिर खतरा मोल लेकर लखनऊ से फरार हो जाती है, लेकिन उसके ख्वाब वहाँ धूल बन जाते हैं। जब राजा के सिपाहियों और फैज़ अली के दरमियान लड़ाई होती है, उसे हकीकत का इलम होता है। रुस्वा ने जिस खूबी से नावल में यह मोड़ पैदा किया है, लखनऊ से उमराओ को निकाला है, ये उनसे किरदार निगारी की महारत का सबूत है। रास्ते में जा बजा लड़ाइयाँ, उमराओ का राजा साहब के पास क्याम करना और खुर्शीद जान से मुलाकात करना। बाज़ दफ़ा यूँ लगता है कि राजा साहब के किरदार और उमराओ का लखनऊ से निकलना यूँ लगता है जैसे सिर्फ खुर्शीद से मुलाकात के लिए तरतीब दिया गया है। बाज़ दफ़ा रुस्वा कारी की हमदर्दी फैज़ अली के लिए हथियाने में नाकाम हो जाता है। जब वो रामपुर में पकड़ा जाता है तो कारी उसके बारे में एकदम सोचता है कि ये तो चोर है, डाकू है, खतरनाक है, इसे उमराओ को लेकर बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अब ये नया शहर अजनबी उमराओ तन्हा उसे छोड़कर, जब रामदेव से मुलाकात हुई तब भी फैज़ अली वहाँ से उसने चोरी नहीं की, माल और सवाब छोड़ के चला गया। रुस्वा ने फैज़ अली को गिरफ्तार करवा कर नावल में से गायब कर दिया। उमराओ उसको भूलकर अपने कारोबार में लग जाती है और नावल के अहतमाम तक उसे कहीं फैज़ अली नज़र नहीं आता। रुस्वा की ये किरदार निगारी की ये खामी है और फैज़ अली का किरदार तमाम तर जाज़बियत दिलचस्पी के बावजूद अधूरा नज़र आता है और कारी के अंदर कोई भी इसके लिए दिलचस्पी और हमदर्दी इतनी पैदा नहीं होती, क्योंकि वह नावल में आया एकदम और गायब भी हो गया। इसकी आमद की मुंतज़िर उमराओ नहीं रोती, क्योंकि उसने अपना काम शुरू कर दिया, ये अपने काम लग गया जाके, पता नहीं रहा नहीं रहा, कैद में था नहीं आया, इसका कुछ बाद में जिक्र ही नहीं। अलगरत हम कह सकते हैं कि एक नडर पुरजोश मोहब्बत शनासा फयाज शख्स था ये फैज़ल। इसने डेढ़ माह के मुख्तसर अरसे में उमराओ का संदूकशा सादे और जड़ाओ जेवरात से भर दिया। अशरफियों का तो शुमार ही नहीं, दिल खोल कर दौलत के ज़रिए मोहब्बत का इजहार करता था। दोस्त और दुश्मन की उसे पहचान थी और एक डाकू होने के बावजूद उसने किरदार से कारी को बेजारी महसूस नहीं होने दी, बल्कि उमराओ के हवाले से वो कारी को कभी कभी अच्छा भी लगता है। ये था फैज़ अली का किरदार जो उमराओ में बहुत अहमियत रखता है और उमराओ उसके लिए अपनी एक बार तो जान तक कुर्बान करने को तैयार थी, बाद में फिर जब पता चला कि वो डाकू है तो बस बात गई। चुनाचे ये किरदार भी नावल के लिहाज से अहम है और आपने इसको भी ध्यान से सुनना है, अपने मुताबिक करना है, उसको लिखना है, याद करना है, ताकि आपके नावल की तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाए। और जब बेहतर तौर पर पढ़ लें तो इसको लिंक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। यही आपसे मुझे कहना था। शुक्रिया।